दोस्तों ये जो निशान देख रहे हैं ना आप मेरे पास बना हुआ, महाभारत काल में भीम ने इस स्थान को चिन्हित करने के लिए ये निशान बनाया था। परंतु ऐसा क्या छुपा था इस स्थान पर जो भीम को यहाँ पर ये निशान बनाना पड़ा? ये स्थान स्वयं में एक रहस्यमय प्रमाण है महाभारत काल का, परंतु इसके बारे में आज तक किसी ने आपको कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों के विद्वानों के मौन रहने के कारण ही बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो आज भी छुपे हुए हैं। उन्हीं में से एक रहस्य है इस स्थान से जुड़ा हुआ, और एक और रहस्य इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। वो रहस्य ये है कि क्या आपको ज्ञात है कि हनुमान जी भगवान श्री राम के बड़े भाई थे? हनुमान। पिछले 5000 वर्षों से इस स्थान पर महाभारत का एक रहस्य छुपा हुआ है जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा, परंतु जनश्रुतियां सदा अशुद्ध नहीं होती। यहाँ ऊपर एक अत्यंत प्राचीन हनुमान मंदिर भी है। अच्छा क्या आपको ज्ञात है कि हनुमान जी भगवान श्री राम के बड़े भाई थे? नहीं दोस्तों, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। आनंद रामायण के सार कांड के 13वें सर्ग में ये उल्लेखित है। जब रावण को ये ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु का कारण दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र होगा, तब रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि दशरथ के कोई संतान ना हो, वो सदा के लिए उर्ध्व रेता हो जाएं, अर्थात उनका वीर्य जहां है वहीं रुक जाए। ब्रह्मा जी रावण को ये वरदान दे देते हैं, परंतु विधि का विधान रूपांतर किया जा सकता है, परिवर्तित नहीं। दशरथ जी के यहां जब अनेकों प्रयत्नों के पश्चात भी कोई संतान नहीं होती, तो वो श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं, जिससे अग्निदेव हाथों में एक खीर का कटोरा लेकर प्रकट होते हैं और दशरथ जी से पुत्र प्राप्ति के लिए इस खीर का एक एक भाग अपनी तीनों रानियों को ग्रहण कराने के लिए बोलते हैं। अर्थात अग्निदेव देते हैं दशरथ जी को प्रसाद रूपी खीर जो उन्हें तीनों रानियों को खिलानी है, जिससे तीनों रानियों को संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर सीढ़ियों का अंत हो गया है और यहां से अब आपको चट्टान पर ही चलना होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर, ऐसा लग रहा है मैं एक पौराणिक दुनिया में आ गया हूँ और इस चट्टान के ऊपर मेरा घर है, जैसे आदिकाल में लोग रहा करते होंगे। दृश्य देखिए नीचे, और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, और इस चट्टान के ऊपर से जो दृश्य आपको देखने को मिलता है सामने, ये देखिए दृश्य, ये है मुंडरू गाँव, राजस्थान का मुंडरू गाँव, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हवा चल रही है और हृदय प्रसन्न करने वाला दृश्य है, वो है मंदिर का प्रवेश द्वार। आइए चलते हैं मंदिर में और आगे बढ़ते हैं इतिहास में, क्योंकि अब जो खीर अग्निदेव ने महाराज दशरथ को दी थी, उस खीर का एक हिस्सा कहीं और भी पहुंचने वाला है। परंतु एक बात मैं आपके साथ यहां साझा करना चाहता हूं कि जो आनंद रामायण में जो लेख है वो खीर का नहीं है, पिंड का है। यहां मैंने खीर से उसको रूपांतरित कर दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इतिहास में और जानते हैं क्या हुआ उस खीर के साथ ऐसा जो संबंधित है भगवान राम और भगवान हनुमान जी से। अब आनंद रामायण के सार कांड के 13वें सर्ग में उल्लेख मिलता है कि एक पक्षी उस खीर के एक हिस्से को अपने पंजों में दबाकर ले उड़ता है और पंपा सरोवर, जहां माता अंजनी मतंग ऋषि के निर्देश पर पिछले 12 वर्षों से बिना अन्न जल ग्रहण किए मात्र वायु पर निर्भर रहकर तपस्या कर रही थी, वो पक्षी अपने पंजों में दबी खीर को माता अंजनी की हथेली पर गिरा देता है। है ना विधि का विधान। माता अंजना इस खीर को महादेव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेती हैं। अब दोस्तों यहाँ आप एक बात समझिए, जिस खीर के सेवन से भगवान श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी
और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ और वो आपस में भाई भाई हुए, तो उसी खीर के सेवन से हनुमान जी का भी जन्म हुआ है, तो वो भी तो श्री राम जी के भाई हुए। हनुमान और उनका जन्म तो भगवान राम से पहले हुआ था, अर्थात वो तो भगवान श्री राम के ज्येष्ठ भ्राता हुए। अब रावण की मृत्यु का कारण दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र होगा, इसमें एक और संभावना है कि वो हनुमान जी हो सकते हैं, क्योंकि महादेव के परम भक्त और सवारी नंदी महाराज जी ने भी तो रावण को शाप दिया था कि उसके विनाश का कारण कोई वानर मुख वाला नर होगा। वैसे रावण को अनेकों शाप लगे थे, तो उसकी मृत्यु के कारण भी अनेक हैं, उनमें से ये भी एक है। इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि रावण की मृत्यु का कारण दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र नॉट बायोलॉजिकली बट लॉजिकली तो हनुमान जी ही है। और देखा जाए तो यदि हनुमान जी लंका ना जलाते, माता सीता का पता ना लगाते, संजीवनी ना लाते और जब रावण का मायावी भाई अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मूर्छित कर पाताल लोक ले गया था, तब हनुमान जी यदि उन्हें बचाकर ना लाते तो फिर ये युद्ध जीतना असंभव था। तभी तो श्री राम जी भी कहते हैं, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अब दोस्तों, माता अंजनी ने 12 वर्षों तक निर्जला तप किया था और फिर खीर का सेवन किया था, तो स्वाभाविक है कि हनुमान जी को भी खीर अत्यंत प्रिय है। परंतु हम मंगलवार के दिवस बूंदी के लड्डू का भोग क्यों लगाते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक आप इस खीर के कटोरे को पकड़ कर रखिए। अब आते हैं इस स्थान पर और जानते हैं इस स्थान का इतिहास। दोस्तों, ये इस मंदिर के अंदर हनुमान जी की शिला प्रतिमा है और ये स्वयंभू है। ये यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनका मानना है कि ये महाभारत काल की है और अत्यंत सुंदर है। यहाँ बैठ के आप मोहित हो जाते हैं बालाजी की सुंदर प्रतिमा पर। महाभारत काल में जब पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है, तो अपने अंतिम 1 वर्ष के अज्ञातवास के आरंभ में भेष बदलकर छुपने के लिए वो विराट नगर की ओर बढ़ते हैं। अज्ञातवास में आपको 1 वर्ष तक छुपकर रहना होता है। यदि आपको किसी ने देख लिया और ये संदेश हस्तिनापुर कौरवों तक पहुंच गया और आपको किसी ने पहचान लिया, तो दंड स्वरूप आपको 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से व्यतीत करना होगा। तो अब पांडवों को छुपकर रहना था और उसके लिए अपने अस्त्र शस्त्र को छुपाना अति आवश्यक था। परंतु दोस्तों, अर्जुन का स्वर्ण जड़ित विशाल धनुष गांडीव और भीम की विशाल सोने से बनी गदा को छुपाना आसान नहीं था। किसी ने देख लिया, लालच आ गया, तो संदेश हस्तिनापुर तक पहुंच जाएगा। तब पांडवों को एक विचार आया, क्यों ना हनुमान जी से सहायता मांगी जाए। और बालाजी भी तो वायुपुत्र हैं और भीम भी वायुपुत्र, तो दोनों भाई भाई हुए, बालाजी अवश्य सहायता करेंगे। और भीम की तो बालाजी से हनुमान जी से हनुमान चट्टी पर पहले भेंट भी हो चुकी है, तो यही सुअवसर है उनसे सहायता मांगने का। परंतु उन्हें बुलाया कैसे जाए। अनेकों प्रयत्नों के बाद भी, प्रार्थना के बाद भी हनुमान जी दर्शन नहीं देते। तब उन्हें एक युक्ति सूझती है, एक आइडिया आता है, क्यों ना हनुमान जी के लिए खीर बनाई जाए। फिर क्या, पांचों पांडव और माता द्रौपदी मिलकर इसी स्थान पर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए एक बड़े से पात्र में खीर बनाते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो आकर इस खीर का भोग लगाएं। अब दोस्तों, खीर हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय है, तो वो यहाँ पर दर्शन देने आ जाते हैं, उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और खीर का भोग ग्रहण करते हैं। तब पांडव उनसे पहले तो अज्ञातवास की सफलता का वरदान मांगते हैं और फिर अपने अस्त्र शस्त्र की दुविधा बताते हैं। तब हनुमान जी खीर का पात्र पलट देते हैं और उसका आकार बढ़ा देते हैं। यही वो खीर का पात्र है जिस पर मैं इस समय खड़ा हूं। इसको हनुमान जी पलट देते हैं
और भीम को ये वरदान देते हैं कि तुम इसके नीचे अपनी गदा को छुपा सकते हो और इस पात्र रूपी चट्टान को तुम्हारे सिवा कोई भी हिला नहीं पाएगा और तुम्हारी गदा इस पात्र के नीचे जब तक चाहो तब तक सुरक्षित रहेगी। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाभारत काल की। उस समय यहाँ पर घना वन रहा होगा, अत्यंतम घना वन रहा होगा, परंतु उस वन में उस समय भी छोटी छोटी पहाड़ियां होंगी जो इस खीर के पात्र से मिलती जुलती थी, जिससे कि किसी को संदेह ना हो। अब भीम जी को ये कैसे पता लगेगा कि किस चट्टान के नीचे उनकी गदा है? इसको जानने के लिए भीम जी अपनी इस चट्टान रूपी पात्र रूपी चट्टान पर एक निशान लगाते हैं। वो निशान आज भी यहां पर उपस्थित है। यही वो निशान है दोस्तों जो भीम जी ने यहां पर लगाया था, ये पहचानने के लिए कि इस चट्टान के नीचे उनकी गदा है। और यहां पर हनुमान जी की एक स्वयंभू प्रतिमा भी है जिस पर बाद में एक छोटे से मंदिर का निर्माण हुआ और फिर सन 1600 में यहाँ पर एक बड़े मंदिर का निर्माण किया गया जो आज भी यहाँ पर उपस्थित है। अब दोस्तों स्थानीय निवासियों का तो ये भी मानना है कि ये चट्टान अंदर से खोखली है और संभव है कि इस चट्टान के अंदर आज भी भीम की गदा के निशान मौजूद हो, जीवंत हो इस चट्टान के अंदर। परंतु समस्या यह है कि हनुमान जी ने भीम जी को यह वरदान दिया था कि उनके अतिरिक्त कोई भी इस चट्टान को हिला भी नहीं सकता, तो हमारे लिए तो यह संभव है नहीं, परंतु आप यहां पर दर्शन करने अवश्य आ सकते हैं। यह रहस्य आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। कुछ ऐसा ढूंढ के लाता हूं आपके लिए जो एकदम यूनिक होता है, स्पेशल होता है और सबसे छुपा हुआ होता है, परंतु वीडियोस आप लोग देखा नहीं करते हैं जिस कारण मेरा मनोबल टूटता है। आप यदि राजस्थान आते हैं भगवान खाटू श्याम के दर्शन करने तो आप यहां भी आ सकते हैं। ये स्थान राजस्थान के सीकर के पास मुंडरू गांव में उपस्थित है बालाजी का मंदिर। आपको यहां आकर एक अन्य उत्कृष्ट अनुभव होगा, एक अलग ही अनुभव होगा। चट्टान के ऊपर चढ़कर जाना, ऐसा लगेगा आप एक अलौकिक दुनिया में अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। फिर आप मंदिर पर बैठिएगा, वहां पर 2-3 घंटे बैठिए, एकदम शांति है यहाँ पर, दृश्य बहुत अच्छा है, सामने का आपको जो गांव का दृश्य मिलेगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आशा करता हूँ आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ नया जाना है तो लाइक कॉमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं, लिख दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। जय बजरंग बली।